आज तो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन वक्त पे भी हो पाएंगे कि नहीं। यस, आईनी तौर पे डिलिमिटेशन, आईनी तौर पे डिलिमिटेशन हुए बगैर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि सेंसस हो गया, उसकी उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप मार्च या अप्रैल में कर देंगे। अगर आप आज प्रोविजनल सेंसस के ऊपर, जैसे सुना है कि उसके ऊपर इत्तेफाक राय जमातों का हो गया, अच्छा अमल है, अगर ये नहीं होता, अगर ये और डिले होता है और सेंसस की, या कल कोई स्टे आ जाता है और सेंसस की रिपोर्ट जाके अप्रैल में या मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में वो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाती है, तो उस दिन एक बंदा पटिशन करेगा, आईनी बार आ जाएगा कि जनाब आप ऑफिशियली सेंसस की रिपोर्ट आ गई है, गजट हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, लिहाजा अब डिलिमिटेशन की जाए। सो उसके ऊपर अगला मामला फिर डिले हो जाएगा, तो इलेक्शन डिले होने का अमकान है। इसीलिए इस मामले को प्रियम्प्ट करते हुए सियासी जमातों ने हुकूमत वक्त का साथ देने का फैसला किया है कि जी हाँ ठीक है, फेयर प्ले में आ पाइए और जो सिस्टम को चलाने के लिए रिफॉर्म्स करने की जरूरत है या वन टाइम यानी अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो सनसेट क्लॉज के साथ करें ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है।